अस्सलाम वालेकुम, हूँ थारी होस्ट अंबर महक और आज को प्रोग्राम लेके हम हाजिर खिदमत है। आज हम जिन्हों के हमने तमना दसियो तो के हम रोज इकी रोज नहीं हर हफ्ता मो इकी शख्सियत को इंटरव्यू करांगा कि हम रोज एक शख्सियत को इंटरव्यू करांगा। इसी तरह आज जुड़ो है हमने अपना प्रोग्राम जुड़ो है वो किसी ना किसी शख्सियत को इंटरव्यू जुड़ो है वो हम हमेशा करता रहा है। इन हुई आज भी जुड़ो है वो हम एक शख्सियत को इंटरव्यू करांगा। हमारा जो आज का मेहमान है भी हमारा गिलगित बल्तिस्तान है मोहम्मद आशान गुजर साहब, और उनको हम इंटरव्यू करांगा कि हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करांगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जड़ा है वे कितना गुजर आबाद है, उनको उत तालीम को या एजुकेशन को सिस्टम किए है और वहाँ जुड़ी तरक्याती कम वहाँ वे किस हद तक वहाँ। और सब तो पहले हम जुड़ो है अपना प्रोग्राम को आगाज अब्दुल रशीद साहब की गजल के नाम करांगा, नजम के नाम। और हमारे ना लोग जुड़न शुरू हो गया है और हम ना कमेंट आयो है फिरदौस साहब को कहवा वेयर यू फ्रॉम, जी हम इस्लामाबाद लाइव प्रोग्राम करांगा और हम अपना प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करा ता तक हमारे ना और लोग जुड़ा है वे जुड़ता जाएगा। हम अब्दुल रशीद चौधरी साहब की गजल नज़म के ना जुड़ो है वो अपना पैगाम को बाकायदा आगाज करा है। हमारो थानेदार गुजर है घर गो चौकीदार गुजर है, रज गए मुड़ गई पुलिस ग्रांते मिंबर नंबर दार गुजर है, सोनी तक के कियो कढ़ारो कर्ज कर्जा होते लाचार गुजर है, इस्तेसाल करे दूजा भी गुजर ऊपर सवार गुजर है, ठंडी मिठी लस्सी पी गए कितनो ठंडो ठार गुजर है, काग भी जिस जा पहुंच नहीं सकतो उत जा बसियो यार गुजर है। हाँ जी, आज यह हम अपना प्रोग्राम को आगाज कर रहे हैं और हमने तमना दसियो तो कि हम किसी ना किसी शख्सियत ना जुड़ो है वो अपना पेज जुड़ो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा या मी मुसर लोग तो उन्हें पहले भी जानते वैगो, लेकिन फेसबुक ऐसा टूल है जिसकी वजह जुड़ो है हम दूजा लोग जुड़ो है वो जुड़ सका है और हम ना यू पता चल सके कि गुजर कित कित है और वे कित कित के कम करें। तो आज हमारे नाम है सरदार आशान गुजर साहब और उनको ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान हा भी जड़ा है गुजर सुप्रीम कौंसल गिलगित बल्तिस्तान का जड़ा है वे फाउंडर है। हम उन गल करांगा, हम हमारी पहली कोशिश ये है कि वे हमना जुड़ो है वो कमेंट करे और ताकि वे हमारे ना जुड़े और उन्हें हम लाइव कॉल बोलियां और उनके जुबानी उनकी गल सुनो कि वे अपना एरिया में जुड़ो है के काम करें और हमारे ना जुड़ा भी लोग आता जाए हम उन्हें खुश आमदीद क्या है और हम कमेंट रीड कर लिया। अच्छा जी, हमारे ना मुख्तलिफ लोग जुड़ता जाया और हम जुड़ो है मोहम्मद आशान साहब अगर तुम हमारा प्रोग्राम में रहते देन हम तुम ना कॉल भी लियांगा और हमारे ना जितना भी लोग जुड़िया हुआ है उन्हें हम खुश आमदीद करा है और हमारा मुख्तलिफ प्रोग्राम अक्सर होता रहे और आई थिंक उनके को नेट को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह में हमारे ना जुड़ नहीं पाता भैया। हम कोशिश करांगा कि उन्हें जुड़ो है अपने ना जोड़ सका और ना काल बोलियां। हम अपना प्रोग्राम को आगाज करा है, हम अक्सर जुड़ो है वो किसी न भी किसी टॉपिक जो जुड़ो है वो गुफ्तगु करता रहा है किसी भी सोशल इशू वो, लेकिन आज जुड़ो है वो हमने इंटरव्यू को हमने क्यों तो सिलसिलो शुरू करांगा। इसके अलावा जुड़ो है वो दिया चौधरी मैडम जुड़ो है वो अक्सर इंटरव्यू करती रहे और यासीन साहब जुड़ा है वो प्रोग्राम करता रहे, सर जाफरान जुड़ा है भी करता रहे, इसीलिए इसी तरह हमने जुड़ो है वो इंटरव्यू को सिलसिलो शुरू किया था जिसमें हमने तमना पहले भी एक ही मुसाई शख्सियात का जुड़ा है इंटरव्यू लिया था उसमें जुड़ो है वो। अच्छा, हमारे ना जुड़ा मुख्तलिफ लोग जुड़े हैं हम उन्हें वेलकम कहाँ है, लेकिन हमारा जुड़ा आज का गेस्ट है उन्हें हम कोशिश करेंगे अभी अगर हमारे ना जुड़े अगर मोहम्मद आशान गुजर साहब तम हमारी आवाज सुना गिलगित बल्तिस्तान तो तम हमारे ना जरूर जुड़ो, तम भी जाने की कि गिलगित बल्तिस्तान वो नेट को बड़ो इशू है और हम उन्हें जुड़ो है ये कोशिश करेंगे कि जल्दी अपने ना कनेक्ट करा और हमारे ना मुख्तलिफ लोग आते चला उन्हें हम वेलकम कहा है और हमने जुड़ू है एक
अच्छा जी, मुख्तलिफ लोगों का कमेंट आएगा, उन्हें हम रीड करेंगे। इमरान साहब क्या हुआ, गुड। अच्छा जी, थैंक यू। हमारा आज के प्रोग्राम को मकसद सुप्रीम गुजर सुप्रीम कौंसल गिलगित बल्तिस्तान ना इंट्रोड्यूस कराना था, क्योंकि हम अक्सर रहना है हम ना मुख्तलिफ पूरा पाकिस्तान हमारा या आउट ऑफ कंट्री तभी जोड़ा है वे गुजर जुड़ता रहे, जिसमें हमेरा के जम्मू कश्मीर भी वह और मुख्तलिफ जगह भी वह। लेकिन आज हमने जुड़ो है वो गिलगित बल्तिस्तान जुड़ो है वो दावत दी थी मोहम्मद आशान गुजर साहब ना, लेकिन वे हमारे ना जुड़ नहीं पाता। अब मोहम्मद आशान साहब गो मैसेज आ गया, हम उन्हें कॉल वो लेने की कोशिश करा है। हम मोहम्मद आशान साहब ना जुड़ो है वो कॉल वो लेने की कोशिश करा, और उसके अलावा जुड़ो है वो मुख्तलिफ लोग हमारे ना जुड़ता रहा और कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती पे जिन्हों ही कॉल कनेक्ट वे। और हाँ जी, मुख्तलिफ लोगों का कमेंट आएगा फुल गोजी। अच्छा हम तुमने का कल पहले दस चुना, क्योंकि मोहम्मद आशाम साहब ना जुड़ो है वो गोजी जबान इतनी नहीं आती, तो उनके ना जुड़ो है वो हम गोजरी उर्दू जबान वो गल करंगा। जबान जड़ी है वह रबता को जरियो जरूर है, लेकिन चूंकि हम दोबारा कोशिश करेंगे उन्हें कॉल वो लेंगी। हम दोबारा उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करें, अगर वो हमारा प्रोग्राम हेरा है तो हमारी कॉल रिसीव करें ताकि हम जुड़ो है वो अपना प्रोग्राम ना आगे बढ़ा सका। मुख्तलिफ लोगों का कमेंट आया और कुछ कहवा जी, फुल गोजरी करो जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, हम ठीक ठाक है। और अच्छा जी, हमारे ना मोहित जब तक उनको नेट बेहतर वह या वे हमारे ना आए तो हम किसी और ना कॉल वो ले लिया, जो अगर कॉल वो आना चाहे तो हमने कमेंट करूँ, हमने जरूर कॉल वो लिएगा। और मोहम्मद आशान साहब तो अपनी जड़ी है वह जगह चेंज करूँ, आई थिंक तारो नेट को मुझ ज्यादा इश्यू है। आशान साहब दोबारा कमेंट करूँ, हम तो अपना कॉल वो लियांगा। और किसी सिंगर ने मैसेज किया तो अगर थोड़ी देर वास्ते अगर भी कॉल वो आ जाए तो हम उन कहाँ तक शायद मोहम्मद आशान साहब को जुड़ो है वो नेट बेहतर हो जाए तो हम उन्हें कॉल वो ले लिया। जब तक मोहम्मद आशान साहब हमारा दोबारा जुड़ो है वो हमारा जी मुख्तलिफ लोग पूछा कि आज को टॉपिक क्यों है, आज को हमारा टॉपिक नहीं तो बल्कि हमने एक ही शख्सियत को या एक शख्स को इंटरव्यू लेने की रखने की कोशिश की थी। हमने गिलगित बल्तिस्तान ना मोहम्मद आशान गुजर साहब को जुड़ो है वो इंटरव्यू रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनके वो आई थिंक नेट को कोई इशू है, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें कॉल वो कनेक्ट कर लिया। जब तक भी हमारा कॉल वो आवे हम जुड़ो है वो मुनीर जायद साहब की एक मुझी अच्छी जिड़ी है वह गजल है वो हम अपना प्रोग्राम वो शामिल करा है, जिड़ी आजकल मुझ ज्यादा जिड़ी है वह लोग सुनेगा भी पसंद करा, तो हम चायान साहब ना कॉल वो लेने की कोशिश करा, आई थिंक उनके को उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती भाई। आशान साहब तो हम अपना नेट अगर बेहतर करूं तो देन हम तो अपना कॉल वो ले लियांगा। अच्छा जी, इरफान बजार, हम कॉल वो लेने की कोशिश कर लें, जब तक भी हमारे ना कॉल वो आया हम एक और गजल जड़ी है वह शामिल करा है, और मुनीर सईद साहब की गजल है नजम है बल्कि जिसको उनवान है आतो जातो रिया कर मेरी ढोकवा, हम इसे शामिल करा है। इसे हम जस्ट जुड़ो है वो तैतो लफ्ज का तपड़ांगा, यानी आतो जातो रिया कर मेरी ढोकवा, दिल फुला तो रिया कर मेरी ढोकवा, ठंडा चश्मा ते छां होर किते कद लवे, गम बंडा तो रिया कर मेरी ढोकवा, तेरा मुस्कान का अंदाज वर फुल खिले, मुस्कुरा तो रिया कर मेरी ढोकवा, सजरी लस्सी मखन साग चटनी ते चा,
खातो पीतो रिया कर मेरी ढोकवा। मेरो सब कुछ है जायद तेरो बस तेरो, गीत गातो रिया कर मेरी ढोकवा। मुझे अच्छो कलाम जड़ो के मुनीर जायद साहब ने लिखियो है, और आजकल जड़ो है वो बॉर्डर गए साइड भी और उस साइड भी और बाकी तमाम गुजरा में जड़ो है मुझ इन है, और हमारे ना जड़ा लोग शामिल वेंगा मैं उनका कमेंट पढ़ छुड़ो है। चौधरी मोहम्मद इतरीस साहब है हमारे ना कहूँगा माशाल्लाह मुझे अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू जजाकल्ला। और मुख्तलिफ लोग हमारा प्रोग्राम सुना, इरफान साहब हैं वेलकम, अच्छा जी हम अगर दोबारा अगर आशान गुजर साहब तुम कमेंट करो तो हम तुम ना कॉल बोल लेने की कोशिश करेंगे, थारा कमेंट ऊपर चल गया है। आज को हमारा प्रोग्राम जुड़ो था वो हम गिलगित बल्तिस्तान ना जुड़ो है वो मोहम्मद आशान गुजर साहब ना और उनकी जड़ी तंजीम है यानी सुप्रीम गुजर काउंसिल गिलगित बल्तिस्तान उसे इंट्रोड्यूस करने वास्ते हमने प्रोग्राम कियो थो, लेकिन उनको नेट जुड़ो है वो इतनों अच्छो नहीं है, शायद कनेक्ट नहीं हो पाती पई मौसम की वजह। हाँ मौसम ही जुड़ो है वो पूरा पाकिस्तान वो तम जाना है गिलगित बल्तिस्तान वो तो जाहिर है मौसम वैसे भी जुड़ो है वो खुशगवार वह बहुत ज्यादा। हम इतना वो कॉमेंट पढ़ लिया है, तम अगर दोबारा कॉमेंट करूँ तो हम तम ना कॉल वो लेने की कोशिश करांगा। वकास अहमद साहब के हुआ थैंक यू जी जजाक अल्लाह। जितना जितना लोग हमारे ना जुड़ा हम उनको शुक्र गुजार वहां हैं, और शायान साहब ना हम दोबारा कॉल वो लेने की कोशिश करांगा। गुजर मोहम्मद शायान गुजर साहब को ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान रहा है, और उस जड़ो है वे गुजर सुप्रीम काउंसिल के नाना एक जड़ी तंजीम है उसने चलाया उसे रन करा यानी उसका फाउंडर है, और उससे रिलेटेड जुड़ा है उन्हें मुख्तलिफ काम वगैरह भी करता रहा, उन्हें जुड़ो है वो अपना लोगों की तालीम वास्ते सेहत वास्ते रोड सड़क मुख्तलिफ रोड्स भी बनाई और मुख्तलिफ काम किया है, और इसी वजह से हमने उन्हें दावत दी थी अपना प्रोग्राम हो, क्योंकि वे हम तो ज्यादा बेहतर तौर वो अपनी जुड़ो है वो उस हम तब ना कॉल करांगा मोहम्मद आशान गुजर साहब, लेकिन आई थिंक नेट का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती पई। जितना भी लोग हमारे ना जुड़िया है या हमारा प्रोग्राम है रहा हम सारा को शुक्र गुजार वहाँ है, और जो वीडियो है सा लाइक एंड शेयर जरूर करो देन हमारे ना ताकि हमारे ना मुख्तलिफ मु सारा लोग जुड़ता चले। मोहम्मद आशान साहब ना हम कॉल वो लेने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक उनके को नेट को कोई इशू है जिसकी वजह जुड़ो है वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती पे। आशान साहब तो अगर वेल आई तो उस वो वेल आइकन वो क्लिक करूँ देन जो है वो कॉल रिसीव हो जाएगी, जो कैमरा ऑप्शन तुम आए उस वो क्लिक करो तो यह कॉल जुड़ी है वह कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी अगर कोई और हमारे ना कॉल वाण चाहिए अपना कोई जितना लोग हमारे ना जुड़े हैं हम उन्हें वेलकम का। आशान साहब आई थिंक अब नेट को इशू है कोई जिसकी वजह कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती पे। हमारे ना अमानत साहब जो जुड़ी है उन्हें वेलकम का है, और हमने कोशिश की थी मोहम्मद आशान साहब ने गुजर वो लेंगी, लेकिन उनके को नेट को कोई इशू है जिसकी वजह कॉल कनेक्ट नहीं होती। मुजफ्फर साहब के मैं कॉल बोल रही, लेकिन आई थिंक सर थर वो कॉल का ऑप्शन नहीं आता तो इसलिए तो कॉल वो नहीं लिया जा सकते। और मोहम्मद आशान गुजर साहब ना हम उनको इंट्रोडक्शन करवा छुड़ा कि वे गिलगित बल्तिस्तान है और गुजर सुप्रीम काउंसिल जड़ा है उसका फाउंडर है, और हमारा आज वो प्रोग्राम का मकसद उन और उनकी जड़ी तंजीम है उसका गिलगित बल्तिस्तान वो जो जड़ा गुजर आबाद है उनकी आगाही लेनी थी कि वो जो है गुजरों के वास्ते के कम वे और आया उसका गुजर एजुकेटेड है या उनकी तालीम को के हाल है वे खानाबदोश है या के सीन अगर वे पहाड़ा में है तो उस तक जो है वो उन्हें कुछ जड़ी है वे सहूलियात लभ भी कि नहीं उसकी गवर्नमेंट या उसका गुजर जड़ा है अगर वे असम्बलियाँ में पहुंचे तो वे उनके लोगों वास्ते के करे। और मोहम्मद आशान गुजर साहब की जड़ी तंजीम है सुप्रीम काउंसिल और उसका
ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਥੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੋ ਵੀ ਥਾਰੀ ਪਿਕ ਨਾ ਅਗਰ ਤਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰੂੰ ਤੇ ਦੈਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰ ਜੁੜਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਹਮ ਉਸ ਕਾਲ ਵੋ ਲੀਆਂਗਾ ਆਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੋ ਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਮ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਨਾ ਕਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਜੁੜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਲ ਬੋ ਲੈਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਾਲ ਬੋ ਲੈਣ ਕੀ ਔਰ ਵੋ ਜੁੜੋ ਹੈ ਵੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਮ? ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਤੁਮ ਔਰ ਮੌਸਮ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ 15-16 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਕੇ ਕੋ ਨੈਟ ਕੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੋਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੇਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬਣਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਇਸੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੋ ਯਾਨੀ ਗੁਜਰ ਕੌਮ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨੁਮਾਇਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਵੇ ਤੋ ਉਸਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀ ਅੱਛੀ ਪੈਗਾਮ ਬਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹਮ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਜਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਮ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹਮ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰੋ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਵੀ ਉਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਕੋ ਲਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਛੋੜ ਦੀਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਮ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਜਸਟ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼। ਮਸਾਲੇ ਤੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਮ ਤੁਰਕੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਸੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਡ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬੈਨਰ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਮ ਮਤਲਬ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਮਾ ਮਸਾਲਾ ਤੌਰ ਦੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਮਣਾ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਂ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਬ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਕਲਚਰ ਮਸਾਲਾ ਤੌਰ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੋ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਯੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਯੋ ਅਲਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਬਾਸਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਬਾਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਛੋੜਦੇ ਹੈ ਉਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ
छोड़ रही है, मतलब बिल्कुल जो और बाकी लोकल जबान है, मुकामी जबान, उन बिल्कुल वहां जो ना गल करना ना बड़ी है तरजीह दें, और ज्यादातर मसाल जो अंग्रेजी या लफ्ज यूज करें, हम पता नहीं क्या मैसेज देना चाह। हालांकि ये मतलब यो कोई तरक्की की अलामत नहीं है। तो उसके बाद यह है कि तुमने गल की कि मतलब वे लोग जिनने कोई हिस्सों पाए हो अपनों अपनी जबान वास्ते, मसाल तौर महाराज कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद है, हर जिला में मतलब अक्सरियत हमारी गुजरी बरादरी और कौमी, हमने अपनी जबान की तरवीज वास्ते जिस तरह से श्रीनगर के अंदर काम कर रहे हैं, बाकायदा अकेडमी है, कल्चरल अकेडमी, इसी तरीके हमारे को एक सेटअप होना चाहिए था। और उस वास्ते काफी अर्सा थे हर बंदो गल कर रहे हो, और बाद लोग जिस तरह मुजफ्फराबाद में मुखलस मिद्दानी साहब हैं इस वक्त पे, उसमें लिटरेचर लिखे हैं, और बहुत सारा लोग लिटरेचर इसमें लिख रहे हैं, इसी तरीके जो है ना हमें इस जबान वास्ते बाकायदा एक सेटअप होना चाहिए था। प्रैक्टिकल वर्क की जरूरत है, मतलब बड़ी अच्छी बात है, मतलब कम्युनिकेशन जिहड़ी जबान सिर्फ बोली है या चंद लोग बोलता हूँ मैं, आखिरकार डेड लैंग्वेज जिस तरह मतलब मुर्दा जबाना में चली जाए, तो जब तक हम इसे ऊपर बकायदा लिटरेचर नहीं डेवलप करता। मिसाल तौर पर एक दो फिल्म बनी है जिसने एक 2 साल पहले बनी, दर्शी अदारा में बनाई थी, और इसी तरीके माली गोजरी फिल्म बनी है, उसने इसरे लिटरेचर मतलब वीडियो शेप में वाओ, बुक शेप में वाओ, तो उसरे जबानी तरवीज वाई, इसरे कल्चरल शो में उन्हें अंदर शो कीजिए, तब जाके जो ना हम सरवाइव कर सकें। अदरवाइज कुछ अरसा बाद सिर्फ जस्ट ये प्रोग्राम काफी नहीं है, हमने दुनिया में जो है ना बका वास्ते है, हमने अपनी बका वास्ते बकायदा अमली तौर पर जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए शायर ने क्यों तो कि गवा दी हमने जो इसलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। मसलो यू है कि वाह गल हम सब कर लिया है, तम भी कर रहा है, हूं भी करूं है, लेकिन अमली काम जुड़ो है वो कितने भी नहीं हो तो पियो। हमने जरूरत है बिल्कुल कि हमारा मुल्क मुजड़ो है वो कल्चर एकेडमी होनी चाहिए, गोजी तहजीब और सकाफत वास्ते कम होना चाहिए, दूजो जो है वो निसाब मुजड़ो सब तो इम्पोर्टेंट काम है। जाहिर अगर हम स्कूल में तदरीस मुजनू हमें राय के पंजाबी में जो है वो मास्टर वैओ सिंधी में वैओ सराइकी में, लेकिन हमें राय के ना तो हमारा बचपन वो बच्चा ना एज अ सब्जेक्ट जुड़ो है वो गोजी नहीं पढ़ाई जाती, और दूसरो जुड़ो है अगर हम बड़ी क्लास में हो ना तो गोजी वो कोई काम जुड़ो है वो हमने नजर नहीं आता। यू जुड़ो है हमारो जुड़ो है हमारी कौम को जुड़ो है जवाल, अगर हम कहा उसकी तरफ चले हम अगर इन्हें चलते रही हो तो एक दो नस्ल तक जुड़ो है वो गोजी जबान बिल्कुल जुड़ी है वह खत्म हो जाएगी। अगर हमने अपनी जबान ना जिंदा रखना है तो हमने जुड़ो है वो अपना अंदर जुड़ा है लिखारी पैदा करना चाहिएगा पाएगा, यानी हम विचू ही विलोक वैगा जरा कुछ ना कुछ अपनी हिस्ट्री ना लिखा है, कुछ ना कुछ हमारा जरा बुजुर्ग है हमारे कोल है उन्हें जुड़ी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, वरना वह भी जुड़ी है उनके जानगे ना ना जुड़ो है वह खत्म हो जाएगी। और दूजो हम ना अपना बच्चा ना जुड़ो है वो गोजी जबान सिखानी चाहिए, कभी भी शर्मिंदगी को एहसास जुड़ो है वो नहीं होनी, यू सोचना कि प्योर गोजी हम बोलता है या नहीं बोलता, बस यू देख लेना चाहिए कि हम जितनी बोला वह भी काफी है, वरना आइंदा सालम हो या भी जुड़ी है वह खत्म हो जाएगी। बाकी जबान जुड़ी है वे मदारिस में चल गए आई जावे, लेकिन मादरी जबान जड़ी है उसमें हमेशा फख्र करने चाहिए और उसे अपना बच्चा ना सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली जितना महाराजा ने लोग मसाले तौर इकतदार का हल्का में जितना वो लोग हैं उन इससे ऊपर बकायदा है जिन्होंने एक तहरीक चलानी चाहिए थी, और उसने एक नसाब में कम अज कम उन्हें भी शामिल किया, कम अज कम इस पर रिसर्च हुआ है, इसको एक लिटरेचर डिवेलप हुआ है। उन मतलब पिछले 2-4 साल से शायद मैं देख रहा हूँ कि आजाद कश्मीर इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा हमारी एक तादाद है, लेकिन उसमें यो है कि जिस टाइम लोग ये कल्चरल शो में आजाद कश्मीर कल्चरल अकेडमी हो बहुत इग्नोर किया जाए, गोजरी जबान का या गोजरी सकाफती शो समटाइम तो शामिल ही नहीं किए जाते, अगर शामिल किए हुई है तो उसमें बिल्कुल मतलब अगर 6 घंटा प्रोग्राम है चंद मिनट इस जबान में देता जाए, बाकी सारा मतलब बाकी ज्यादातर बिल्कुल म्यूजिक और उन चीजें ना, जाहिर है हम देखा है तो कि इस फॉर चीज एग्जांपल में अगर जी कोटा की गल जी 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 तुम कंटिन्यू करो। हाँ जरा मसाला जो लोग अरेंज कर रहे हैं और जो लोग हमारा मतलब इन्फ्लुएंशियल क्लास का बासर लोग हैं मौजूद हैं या मुक्तदिर लोग हैं, उन इस चीजों पर स्टेप उठाना चाहिए, और इस वजह से जो है ना सब लोगों ने मतलब यूथ वहाँ जो लोग हैं उन मिल के इसकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अपना कल्चर की, अपनी जबान की और अपनी चीजों की। तो मसाला तौर पर हर चीज जी है ना एक वर्ड है, एक कोई भी लफ्ज है वो एक अलामती मतलब इसको वह मतलब जिससे एक डिक्शनरी मीनिंग निशानी है जी, तो एक जो है ना उसको एक बकायदा असर हुआ, इमेज हुआ, लफ्ज इमेज हुआ, एक तस्वीर बनी हुआ,
आपने तो सबर नाल लेके चला, जिस टाइम जबान खत्म हो जाए उस टाइम उस नाल नाल भी तस्वीर भी खत्म हो जाए। तो तस्वीर खत्म होना ना मकम मकमल तौर जो ने एक जबान जवाल पजीर जबान में शामिल हुई है। तो इस वास्ते इस बिल्कुल ऊपर कोशिश करने की जरूरत है। मसाला तौर पर हूँ क्या कर सकूँ, तुम क्या कर सके, और बाकी इस तरह बाकायदा जितना पेजेस वगैरह ये वो बनेंगे ये कुछ हमने मिलजुल के जो है ना ऐसी कोशिश करनी है कि हमारी जुबान बाकायदा एक मतलब रजिस्टर्ड है और बाकायदा हमारी जुबान उसको कम क्यों ना जाए, उसका एक कोर्स अहमियत निशान और मिला है। शामिल क्यों बिल्कुल जाए। हाँ एग्जैक्टली ठीक है सर, जजाक अल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया, मुझ तारा बहुत शुक्रिया, तुमने शुक्रिया। हमारा साथ दे। तो हम दोबारा मोहम्मद आशान गुजर साहब ना कॉल वो लेने की कोशिश करांगा, अगर जुड़ा है वे हमारा आवाज सुना तो वे कमेंट करूं, ताकि हम मोहम्मद आशान साहब ना जुड़ो है वो कॉल वो लेने की कोशिश करा, जिड़ा गिलगित बल्तिस्तान है और जिनके वास्ते आज हमने यू प्रोग्राम किया था, ताकि हम ना यू पता लगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वे जुड़ा गुजर है उनकी जिंदगी है वे मोहम्मद आशान साहब कमेंट करूं, ताकि हम तब ना कॉल बोलिया। अच्छा जी, इतना लिखूंगा तेरे बाद तेरे बारे में कि आने वालों ने तुझे पहले ही देख रखा होगा। इस शेर वो हमने अमल करने की जरूरत है, अपनी जुबान ना तरक्की देने की जरूरत है, ताकि जुड़ो है वो लोग फखर करें। हमारे ना हसन चौधरी हसन दीन है और ये आई थिंक गुजर करे शायर है, और हम कोशिश करेंगे अगर उन्हें वो काल वो ले गए उन तक दो चार अशार सुन लिया और उन तक पता कर सका कि कितनों वे टाइम जुड़ो है वो जुबान ना दिए और लिखे है। और ये एक अच्छी काविश है, जाहिर है लिखारी जुड़ा है वो मुझ अहम है जुबान ना जिंदा रखने वास्ते। इस तरह पहले हम आशान साहब ना काल वो लेने की कोशिश करा, लेकिन आई थिंक उन्हें काल नहीं जाती पई। मोहम्मद आशान साहब तुम कॉमेंट करूँ, देन हम तब ना काल वो ले आऊंगा। मोहम्मद आशान साहब को नेट को इशू है जिसकी वजह उन्हें कॉल कनेक्ट नहीं होती पई, और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की खराबी भी है, हमने पता है जिन्होंने बहुत बर्फबारी वही और वो नेट जो है वो इस कदर अच्छो नहीं, जिसकी वजह शायद नेट कनेक्ट नहीं हो पाता पियो। अगर हसन दीन साहब या हमारे ना जो हमारा कोई और अगर है रहा और अगर वे हमारे ना गुफ्तगू करना चाहे या कोई अपना शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस, तो वे हमने कॉल करें, हम उन्हें कॉल वो लियांगा। और हमने कुछ और भी ऐसा लोग जो हमारे ना होने जुड़िया है उन्हें हमने इंटरव्यू वो किया था, लेकिन माजा कुछ जुड़ी है वे इसी सुरियाल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह हम ना उनके ना कॉल नहीं उन्हें जो है इंटरव्यू नहीं कर सका। और अगर वे दोबारा हमारे ना जुड़न चाहे तो हम जरूर उन्हें जो है वो करेंगे, अगर वे कमेंट कर रहे थे। हमारे शान साहब ने कॉल बुलेने की कोशिश करा लेकिन कॉल नहीं होती। फैसन दीन साहब अगर तुम कमेंट करूं कि हम तुम ना कॉल बुल लियांगा, या हमारे ना कुछ और लोग जोड़ा है प्रोग्राम हिरा अहमद साहब हिरा अगर भी कॉल बुआन चाहे तो कमेंट करूं, हम उन्हें कॉल बुल लियांगा। अगर थारा में कोई एबिलिटी है या कोई खसूसियात या खूबी है तो हम जुड़ो है, या थारे अगर कोई ऐसा शख्स है जिसमें है गुजर कबीला जुड़ो ताल्लुक रखे तो उसका बारे में हमने जरूर दसो, हम जुड़ो है उनको इंटरव्यू ले या भी हमारे ना रब्ता करे। एहसन गुजर साहब ना काल बुनू, अगर अहमद साहब हमने तब ना मुझ पहले भी दरख्वास्त की थी लेकिन काल नहीं हो पाई थी, अगर तुम कॉमेंट करो तो एहसन साहब अगर सुना जिन्होंने जिक्र किया है वे कॉमेंट करें तो हम उन्हें काल बोलियाँ। ऐसन गुजर ना हमने कोशिश की है आशान गुजर ना, लेकिन वे जुड़ो है वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती वे। तो अहमद साहब अगर तुम कमेंट करूं, हमने एक बार पहले भी थर ना दरख्वास्त की थी इंटरव्यू की लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह जुड़ो है वो प्रोग्राम नहीं हो पाए हो। हम अब्दुल रशीद चौधरी साहब की जुड़ी गजल है या सॉरी नजम है उसका दोबारा जुड़ो है वो शामिल कराएं, शायद तक जुड़ो है वो आशान साहब दोबारा हमारे नाल
आ जाए। मारो थानो दार गुजर है, घर गो चौकीदार गुजर है। रज गए मुड़ गई पुलिस गराते, मिंबर थाने मिंबर नंबरदार गुजर है। सोनी तक के कियो कढ़ारो, कर्ज हथे लाचार गुजर है। इस तहसाल करे दूजा भी, गुजर ऊपर सवार गुजर है। ठंडी मिठी लस्सी पी के, कितनो ठंडो ठार गुजर है। काग भी जिस जा पहुंच नहीं सकतो, उत जा बसियो यार गुजर है। चौधरी अब्दुल रशीद का जबरदस्त कलाम ना, जाहिर है जबान जड़ी है वो किसी भी जबान जड़ी है, जबान का लिखण वाला ही जबान ना जिंदा रखन वो बाइस बने, और जबान बोलने वाला भी जबान बोलन जिंदा रखने को बाइस बने। हम हसन दीन साहब ना जो है वो काल वो लेने की कोशिश करेंगे, और उन तो कोई कलाम जो है वो अगर हम सुन सका तो हम जरूर सुनेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तम अपनो तारुफ करा छोड़ू क्योंकि अस्सलाम मुसल वालेकुम। लोग तम नंदी से हटता पैगा। वालेकुम अस्सलाम। तम सब तो पहले हसनदीन साहब अपनो तारुफ करा छोड़ू, तम मुख्तलिफ लोग नहीं सेंटता पैगा, उसके बाद जो है वो तम अपनो कलाम पेश करो, कोई भी अगर सुनना चाहे। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा तल्लुक फादर कोटा आजाद कश्मीर का गांव गिरने वाला है। इस वक्त हाल मकीम बाग हाजिला बाग में रह रहे हैं इस वक्त। जी सुनाओ, ठीक है, खैरियत है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह का तुम शुक्र। अपनी गोजरी जबान वास्ते बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें आदत भी नहीं चाहिए कि जबान वास्ते जो है ना कि जितनी कोशिश हो सके हमें करनी चाहिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक जरूर। और तम वे लोग है जड़ा जबान ना जिंदा रखन वो बाइस है यानी लिखारी। तम अगर अपना कोई जुड़ो है वो ताजा कलाम जुड़ो है वो हमारा लोगों ने शेयर करना चाहूँ तो जरूर शेयर कीजियो करूँ। इंशाल्लाह जी, जब तक वे जुड़ो है अपनो कलाम सुनाए हम कोशिश करेंगे कि एहसन साहब दोबारा कमेंट करे ताकि हम उन्हें कॉल बोलियां। अगर अहमद सईद साहब अगर तुम कॉल वो आन जाए तो तुम जरूर जो है वो हमारे ना करो, क्योंकि आज प्रोग्राम हमने आशान गुजर गेनाइन उनकी जो है उनकी तंजीम का वास्ते या उनकी आगाही हासिल करने वास्ते किया था, लेकिन आई थिंक उनके को नेट को कोई इशू है जिसकी वजह में हमारे ना कनेक्ट नहीं हो पाता किया। जी, अब तुमने मेरे ना फरमाइश की थी कलाम के बारे में, अहमद मेरा सईद कोई साहब कम इसका दे बाद बात हम तुम्हें चला कॉल बोलियो जी। है। खैरियत सर? बताओ बताओ खैरियत, ठीक है? हाँ, सुनो बोल रहे। 1 मिनट। तुमने फरमाइश की थी मेरा गोजरी कलाम के बारे में, तो हम तुम्हारे लिए उसको पेश कर रहे हैं थारी खिदमत में। के जी अव्वल जरूर हमद सना तेरी रब सैया, उची सब तो जात सफा तेरी। तो है वादा हो ला शरीक अल्लाह, रहीम और करीम सच्ची आजाद तेरी। तू हाकम है अजल ती आप कादर, कब्जा कुदरत विच है कायनात तेरी। जाहिर बातन विच सदो है जिक्र तेरो, करे बंदगी सद अवानात तेरी। तेरा हुक्म नाल शम्बस ते कमर चले हैं, जिक्र कर रही है मुखलकात तेरी। तेरी हिकमत को नहीं शुमार कोई, खोले कौन आवे लुगात तेरी। तेरी बिल्कुल कदर पैगंबर आशिक जाने, जाने कदर के लात मना तेरी। जाहिर बातन मैं तू आ बैठो, जी देखूं वो तेजा तेरी। बेशक तू हाकम है सब हाकमा को, चिरिंद परिंद करें सफा तेरी। तेरे नाल नहीं कोई शरीक अल्लाह, मालिक तू है सारी कायनात तेरी। तिना सुभान अल्लाह। लोड़ नहीं किसी भी चीज की है, ये दिन तेरा ये रात तेरी। तिना लोड़ नहीं किसी भी चीज की है, ये दिन तेरा ये रात तेरी। जरा जरा वर तेरी है बादशाही, हर पास है मौजूद है जात तेरी। नाकस हूं तै मेरी मिसाल नाकस, लिखूं किस है रब्बा सफा तेरी। नाकस हूं तै मेरी मिसाल नाकस, लिखूं किस है रब्बा सफा तेरी। मेरी गंदी जबान ते अमल पैड़ा, सोचो ना तेरो ऊंची जात तेरी। इस वक्त तुम एक पब्लिक मकाम पर खड़ो हूँ, जितने अपना इस वक्त कोई मेरा कोई मवाद भी मौजूद नहीं है। जिस वक्त तुम तुमने ज्यादा टाइम नहीं दे सके हो, तो इनशाला हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी जबान वास्ते जितनों भी हमारा को है कोशिश हमें करनी चाहिए कि इसमें झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए।
ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਕਾਲਜ ਪੰਜ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸਮਾ ਜਿੱਦਿਅਤ ਅਗਰ ਹਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਮ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਤਾਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹਸਨ ਨੀਤ ਜਾਂ ਆਪ ਕੋਈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਥਾਰਾ ਮੁਝ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ ਔਰ ਹਮਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਹੀ ਲੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਸਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਤੇ ਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੋਲੀਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ ਹਮਨਾ ਔਰ ਇਸੀ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨੀਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਤਾ ਚਲਾਂ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਮ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮ ਤੁਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਬੋਲ ਲਿਆਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੁਮ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਰੋ? ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੁਮਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਬੋਲੂ ਤਮ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤਮ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਮਨਾ ਦਾ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੇਜ ਐਡਮਿਨ ਨਾ ਬਢਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ, ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਮ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਿਓ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਨੈਟ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣਗੇ ਕੋ ਦਸਤਿਆਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਨਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਇਸ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤਮ ਆਪਣੋ ਉਨ ਲੋਗੋ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੋ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਚੁ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤਾਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਜਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਾਰਫ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪਲੰਦਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਲੰਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਾੜਖਲ, ਹਲਕਾ 6। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਾ, ਬਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਮਾਸ਼ ਮਾਈ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਤਮ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਵਾਲਾ ਬਡਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰਵੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੇਜ ਪਰ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਲੰਦਰੀ ਤੋਂ, ਹਮਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੂੰ ਵੀ ਗੁਜਰ ਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸਕਾ ਥਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਾੜੀ ਮਾ ਕਿਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆ ਮਨ ਗੋਜਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਦਰੋਤੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਕੀਬ ਖਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦੋਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਗੋਜਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਗੋਜਰੀ ਉਤ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਵੀ ਗੋਜਰੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਤਨਾ ਮਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲੇ ਮਾਰਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੁਮ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਸਮਝੋ ਸੁਣਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਗੋਜਰੀ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਐਨੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਹਮਾਰਾ ਥਯੂ ਥਾਰਾ ਸਰ ਹਮਾਰਾ ਥਾਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਮੋਟੀ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਏ, ਤੋ ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
तो अपना गुजर कौम का बच्चा ना मोटिवेट करने वास्ते, तालीम की तरफ आने वास्ते तम के पैगाम देने चाहिए। देखो हूँ तुमने सच्ची गल दसूँ कि हूँ लगी लिपटी गल हूँ हमेशा ही आ गल कहूँ कि जितना हमारा तालीम जड़ा तालीम याफ्ता लोग हैं वे जड़ा सियासतदान हैं वे और एरिया टू एरिया डिफर भी करा है क्योंकि कश्मीर गुजर को छोटी कौम है नहीं, पूरा बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे तो बड़ी कौम है, इंडिया की सबसे तो बड़ी कौम है, उसके अलावा ये है कि एशिया की सबसे तो बड़ी कौम है, दुनिया की सबसे तो बड़ी कौम है कह सकें इसमें, लेकिन एरिया टू एरिया मिसाइल डिफरेंट करें डिफरेंट है। मिसाल का तौर पर तुमने एक मिसाल दी हूँ कि अगर तुम कश्मीरी गल करें तो जहां तक मेरो ताल्लुक है या जो मेरी सोच है हूँ या गल कहूँ कि जुबान कश्मीरी जरा गुजर है उन्होंने हजारा का जरा पहाड़ी एरिया का लोग है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, हजारा का हो गया, जुबान सच्ची गल यह है कि उन्होंने ही जिंदा रखी हुई है गोजरी जुबान। मेरे जैसा बिल्कुल आदमी जो कराची पले हो बड़े हो उस तो अलावा हूँ बाहर आ गए हूँ कश्मीर रहे हो भी नहीं, थोड़ी बहुत जड़ी भी ना गोजरी आवा टूटी भजीवी जड़ी भी है गुलाबी गोजरी आवा, लेकिन गोजरी बोलूँ और गोजरी पर प्राउड करूँ, मिना ये नहीं कि बिल्कुल एक फख्र है कि गुजर आऊँ मिना जुबान आवा। तो मसाइल बिल्कुल जहां तक यह है कि तालीम जरूरी है बेशक बिल्कुल, तालीम तो बगैर तो कोई भी काम नहीं, लेकिन दूसरी चीज जड़ी है वो यह है कि तब ना अपना आप का बारामा अपना माजी का बारामा और अपना आप पर फख्र भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जो तालीम याफ्ता है वो किसी गजटेड ऑफिसर लग जाए डॉक्टर हो जाए तो ऑपरेशन करता वक्त उसका हाथ कम है, या वो कोई गजटेड ऑफिसर लगा था किसी कम ना वो जिस वक्त इम्प्लीमेंट करा था उत वो थोड़ा झिझका है, तो इत यह हमारा अंदर थोड़ी जी कमी है हमारा लोगा मा हर किसी में नहीं लेकिन ज्यादातर वो यह है कि वे अपना आप और अपनी हिस्ट्री का बारे में नहीं जानता। और जहां तक रही बिल्कुल तालीम की गजड़ी तम करें तो वही है कि पंजाब के अंदर वही गल है 6वीं 7वीं 8वीं में लड़का पढ़े गुजर तो उस तो बाद वे पिस्तौल ले लें, उस तो अलावा गुंडागर्दी करना शुरू कर छुड़े वे इस तरह नहीं पढ़ता। बिल्कुल हमारा जरा कश्मीर या पहाड़ी इलाका का लोग हैं तो वे भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बड़ी मुश्किल नाल करावे बच्चा ना पढ़ावे तो उस तो बाद वे माल मवेशी ले लें या कोई मजदूरी कर लें वे पढ़ता नहीं, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो पहाड़ी एरियो है वो तो हमारा हालात ठीक नहीं, ज्यादातर जड़ी है वो हमारी एग्रीकल्चर है जरात है उसका नाला मुंसलिक है, लेकिन हम जड़ो है उन सिस्टम चेंज हो गया काफी ज्यादा लोग जड़े हैं वो तालीम याफ्ता हैं आज तक। अगर गजट अफसर की गल करें 2 साल पहले जड़ तहसीलदार हुआ था उसके अंदर गुजर सब तो ज्यादा था 8 था उसमें, मैं तुमने एक बार पता नहीं शायद पहले भी दस्यो तो मीना जबानी याद भी है उन्होंने नाम भी याद है हमारा तड़का तो जायद चौहान थो, उसके अलावा चौधरी सिमाब साहब कोटली तो था, इमरान साहब जड़ा है वे माजरीन बिचू था, उस तो अलावा आई थिंक इमरान साहब ही हैं जड़ा वे मीरपुर तो था, मतलब खालिद कबीर साहब था, मतलब 8 हमारा नायब तहसीलदार था। उस तो अलावा अगर तुम गजट अफसर में उन टाइम देख लियो कमिश्नर एडिशनल सेक्रेटरी उसमें भी हमारा लोग बहुत ज्यादा हैं, तालीम और अगर टॉपर भी देखें तो काफी सारा हमारा लोग हैं, साफी भी हैं सारा कुछ है, तालीम का मामला में अलहमदिल्ला सब तो ज्यादा है हमारा इस यूनिवर्सिटी के अंदर सब तो ज्यादा, यानी कि जितना लेक्चरर हैं उसमें हमारी गाँव में सब तो ज्यादा है तालीम और मगान, लेकिन इस तो इलावा जी यह गल है ना जी एक फखर इन अ सेंस कि तुम एक अच्छा कबीला तू और एक माजी पर हुक्मरान कबीला तू और एक नेक कबीला तू, यह गल भी कहूंगा हूँ अगर फखर करूँ कि हूँ मिसाल के तौर पर लो सरांद या मिसाल के तौर पर मेरो जोड़ो बड़ो हो वो कोई हिंदू थो दे वो तो इस फखर तू हट गया, अगर हम यह देखा कि हम उस कौम तू हाँ जरा सादात तू बस सब तो ज्यादा नेक लोग आई मीन टू से के जड़ा के वली था वे हमारी कौम तो था नेक लोग वतन तो प्यार करने वाला हिंदू हैं तो फिर भी अपना वतन ना प्यार करेंगे, मुसलमान हैं तो मुसलमान ना प्यार करेंगे, अपना वतन ना प्यार करने वाले लोग हैं, इस पर भी कम करने की जरूरत है और इस पर हम ना सच बोलने की भी जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक गल और जिस तरह अगर हम पोलिटिकली इसकी गल करें कि हमारा 10 11 मिनिस्टर हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन तुम किसी प्रोग्राम में बुलाकर देख लियो मेजोरिटी आता ही नहीं, वोट लें बरादरी का नाम पर लेकिन जिस वक्त इस तरह वो कम हो जाता है उस वक्त तो नहीं आता। जब तालीम में अलहमदुल्ला हम बहुत अग्गा जा रहे हैं विद द पैसे ऑफ टाइम और चाहे कोई भी बरादरी है उसे तालीम पर अब जोर देना चाहिए तो खास तौर पर हम ना, क्योंकि हम अपना बच्चा ना और खास तौर पर बच्चे ना बिल्कुल नहीं पढ़ाता, हम अपनी बिल्कुल बच्चे ना पढ़ाता ही नहीं, अगर पढ़ावा भी तो 5वीं 6वीं करा गया तो उन्होंने घरों मिसाल छोड़ा बिल्कुल अगर उस तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस तो अगर हम पढ़ावा बहुत हद अगर बिल्कुल हमने तीर मारे तो मैट्रिक, लेकिन विद द पैसे ऑफ टाइम इसमें उन चेंजिंग दावे अल्लाह करे कि इसमें मजीद इसमें बिल्कुल तरक्की वह और तालीम हासिल करने तो बगैर कोई मुकाम नहीं किसी भी कौम को। बिल्कुल। उसके वास्ते अब यूं को कहूंगा कि जाहिर है रोजगार जो है वो किसी भी शख्स वास्ते अहमियत को हामिल है, लेकिन तालीम जारी रखने वास्ते पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जराया, फॉर एग्जाम्पल
ओपन यूनिवर्सिटी है, विर्चुअल है, या होर दोरी होर मुसारी प्रेस्टेड यूनिवर्सिटी है। अगर तम इनता अगर तम वो तालीम को शौक है, अगर तम यू शौर रखे के मैं अपनी तालीम जारी रखनी है, तो जरूर जुड़ो है वो, तम इन जराया न अपनाऊ और डेरे बैठे जुड़ो है वो तालीम जुड़ो है वो हासिल करूँ। इंसान की सोच, या इंसान जब ज्यादा सोचेगा तो अल्लाह उसका ज्यादा देगा। अगर उसकी सोच ही छोटी रहेगी तो उसे हमेशा छोटी ही चीज लगेगी। अगर वो अपनी सोच, अपना मकसद, अपना गोल जड़ा है वो बड़ा रखेगा तो उसे जरूर जुड़ो है वो बड़ी चीज मिलेगी। इसीलिए इकबाल ने क्या खूब कहा है कि हैरम लाजिम तकमीले आरजू के लिए, मिले ना क्यों तुम्हें मंजिल कर तुम तलाश करो। तो अहमद साहब थरमूच में शुक्रिया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नौजवान गुजर स्टूडेंट वास्ते तम एक जड़ा है वे मिसाल वेगा, जड़ा तालीम के बायस जुड़ो है वो इतना बड़ा मुकाम हो पहुंचा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यूं समझा के पढ़ के भी जुड़ो है वो कारोबारी करना है या मजदूरी करनी है, तो लाजमी कि तालीम जड़ी है वह नौकरी वास्ते ही हासिल की जाए। तालीम को बड़ा मकसद जुड़ो है वो अपने अंदर इखलाकी इकदार पैदा करना है, अपना आप ना अच्छो इंसान बनाना है। ठीक ठीक है जी सर, जजाक अल्लाह, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हसन दीन साहब के वहाँ गोजरी ऐसी मीठी जबान है जिस ना दूजा भी बरादरी को लोगा मुई शौक ना बोले। जी बिल्कुल, जिड़ा लोग गोजरी सुने वे जरूर कह के हम दोबारा जुड़ो है उन लोगों ना बोला, या उन था उन गलां का वर्ड का मतलब जरूर पूछे। इसके अलावा एक चीज, नस्ली तासुब या सुबाइयत परस्ती, हमेशा कोशिश करूँ एज अ कौम इन चीज़ा दूर हूँ। और सब अल्लाह ताला ने मुसलमान इंसान जड़ा है वो पैदा किया और वे सब बराबर है। हदीसे मुबारका है कि किसी अरबी ना किसी अजमी वो, और किसी अजमी ना किसी अरबी वो, किसी गोरा ना किसी काला वो, किसी किसी सुर्ख ना किसी स्याह वो, किसी स्याह ना किसी सुर्ख वो, कोई फजीलत हासिल नहीं मां सवाए तकवा के। और तकवा यू है कि दिल में अल्लाह खौफ और डर है। और हम ना जरूर ना सामने गल ना जरूर सामने रखना चाहिए, गुजर होने वो फख्र जरूर करना चाहिए, और अपने लोगों की बेहतरी वास्ते कोशिश करनी चाहिए। अशांत साहब, तुम अगर हमारा प्रोग्राम सुनना ते तुम कमेंट करूँ ताकि हम तुम ना कॉल वो लिया। चौधरी जहीर साहब कह वहाँ के इधर मगर करो कि मिसाल के तौर पर दूसरा अमीन। अच्छा जी चौधरी, हमारे ना इफ्तखार बानिया साहब है, अगर वे काल बोन चाहे तो हम जरूर उन्हें एक मिसाल की तौर पर काल वो जरूर लेने की कोशिश करांगा, जी एजुकेशन रिलेटेड हम गल करा था। इफ्तखार बानिया साहब, अगर तुम हमारी आवाज सुना तो जरूर हम ना कॉमेंट करूँ, हम तुम ना कॉल वो लियांगा। हम जुड़ा एडमिन अगर हमारे नाल है तो वे जरूर आशान साहब ने दोबारा कॉमेंट मैसेज करूँ ताकि वे हमारे ना प्रोग्राम वो आ सके, या हम ना मैसेज करें हम ना प्रोग्राम वो लियांगा। आज वो हमारा प्रोग्राम जुड़ो थो वो सुप्रीम कौंसल गिलगित बल्तिस्तान ना हमने इंट्रोड्यूस कराना थो, हमने दसो तो के इफ्तखार वानिया साहब थारो कॉल को ऑप्शन ही आता पे, वरना हम तब ना कॉल वो लेता। अगर कोई होर जुड़ा है हमारे ना कॉल वो आना चाहे तो जरूर दसो, और हम दोबारा जुड़ो है मुनीर जायद साहब को पुरा जुड़ो कलाम है वो अपना प्रोग्राम शेयर कर गया है, उसके ना ही इजाजत चाहगा। और सीएम कटाना साहब कहवा, जीएम कटाना साहब कहवा, अगर जर्मनी में कोई भी गुजर वे ते बराए मेहरबानी रब तो। अच्छा ठीक है जी, अच्छा सॉरी, ठीक। इफ्तखार आशान गुजर साहब जनरल सुप्रीम कौंसल का बानी यानी उसका फाउंडर है, अगर वे कमेंट करे तो हम जरूर उन्हें कॉल वो लियांगा। मेरी जबान ना प्रमोट सपोर्ट करने वास्ते हूँ थारो शुक्र गुजार है, या हम सब की जबान है, अगर हम जुड़ो है इसे जिंदा रखा तो मुझे अच्छी गल है। आशान गुजर साहब, अगर तुम हमारी आवाज़ सुना तो तुम कमेंट करूँ ताकि हम तुम लास्ट टाइम कॉल वो लेने की कोशिश करा, अगर तुम थारे ना कॉल कनेक्ट हो जाए देन जुड़ो है वो हम अपना टॉपिक के बारे में गल करें जिसके वास्ते आज हमने प्रोग्राम कियो थो। अच्छा जी मुख्तियार साहब क्या मैं अपनी गोजरी दुरुस्त करूँ, जी जरूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जित कि अपनी गोजरी और ज़्यादा बेहतर की जा सके। और अवैस गुजर साहब है हमारे नाल, मीर फारूक साहब है,
अब्दुल रशीद रोहान साहब है, नाइस, थैंक यू, जजाक अल्लाह। आशान साहब, अगर तुम आऊं मुस्तफ़ा तनवीर गुजर साहब हैं, थैंक यू जी। जाहिद वडाना साहब जी, थरों को कॉल ऑप्शन नहीं आता भी, वरना हम तुमने जरूर कॉल वो लेता। मोहम्मद रशीद साहब है क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। सब तो पहले अपना तारुफ करा चुका, मुस्तफा जुड़ा है वो। जी मखदूम नाम है मेरा, तम की तो कल करा सऊदी अरब तो। जी, और हम जिन्हों तालीम का हवाला ना गल करा था या जुबान का हवाला ना गल करा था, आज हमने एक ही शख्सियत को इंटरव्यू रखना था, लेकिन नेट की वजह नहीं कर सकिया, ते तम जो है वो के कहना चाहेगा। जी तम के कहना चाहेगा अपनी जुबान के बारे में, या अपना लोगों ना जुड़ो है वो कोई पैगाम देना चाहे। और हाँ जी, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट होगी उनको। अगर तुमने कोई गल नहीं करनी होती तो बराए मेहरबानी जो है वो कॉल वो ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम सिर्फ उन एक लोगों ने कॉल करना चाहेंगे, क्योंकि हम ना पता नहीं होता कि किसी शख्स में के जो है तम कोई खूबी है, या तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा गुजर है जेड़ा वाकई ही किसी अच्छा मकाम वो है, और हम गुजर हों वो उनको फखर कर सका, या वे दूजा लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, या उन्हें मोटिवेट कर सके, या उन्हें जो है वो गाइड कर सके, तो जरूर उन लोगों ने जो है वो भी हमारे पेज पर हमारे रब्त करें। हम उन्हें जरूर जो है अपना वेजा जो है उनकी आवाज ना अपना लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसी ना हम जो है वो अपना प्रोग्राम खत्म कराएं, क्योंकि अशांत साहब आई थिंक नहीं होता पिया। अवैस गुजर साहब ना हम कॉल बोलियांगा, लेकिन अवैस साहब थारो कॉल को ऑप्शन नहीं आता, तो क्यों आखिरी बार जो हम जो है वो मुनीर जाए मुनीर जाए साहब को पूरा कलाम आखिरी बार शेयर कर आखिर में शेयर करांगा और इजाजत चाहूंगा। अवैस भाई को कॉल को ऑप्शन नहीं आता, तो वरना मुना जरूर कॉल वो लेता। अच्छा जी, अच्छा जी, हम जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रोग्राम करा, और हम मुनीर जायद की जुड़ी है वह नज़म शेयर करांगे, और इसी के ना जो है हम इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह हम किसी और दिन जिस दिन आशान साहब को नेट ठीक रहेगा तो हम जरूर उन्हें कॉल बोलियांगा, और उनका और उनकी सुप्रीम जनरल काउंसिल गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आगाही हासिल करांगा। मुनीर साहब की गजल है, आतो जातो रिया कर मेरी ढोकमा, दिल बुलातो रिया कर मेरी ढोकमा, ठंडा चश्मा ते छां और किते कदलब है, गम बड़ा तो रिया कर मेरी ढोकमा, तेरा मुस्कान का अंदाज वर फूल खिले, मुस्कड़ा तो रिया कर मेरी ढोकमा, सजरी लस्सी मखन साग चटनी ते चा, पी तो खा तो रिया कर मेरी ढोकमा, मेरो सब कुछ है जायद तेरो बस तेरो, मेरो सब कुछ है जायद तेरो बस तेरो, गीत गातो रिया कर मेरी ढोकमो। थैंक यू जी, जजाक अल्लाह।